वंडरस्लेट में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो विवरण में दिया गया है। आज का क्विज विषय है 6th of March 2019 करंट अफेयर्स पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारत को प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका भारत को तरजीही व्यापार के लिए दिए गए दर्जे को समाप्त कर सकता है। ट्रंप भारत को तरजीही व्यापार के लिए दिए गए दर्जे को समाप्त करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भारत अब वैधानिक पात्रता मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है। जीएसपी प्रोग्राम साल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू हुआ था, तभी से भारत इसका लाभ उठा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित में से किस संगठन को 5 वर्षों के लिए बंद कर दिया है? ऑप्शन ए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी जे एंड के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी जमात ए इस्लामी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी जमात ए इस्लामी जम्मू और कश्मीर। केंद्र ने 5 साल में जम्मू कश्मीर के जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 4 मार्च को कहा कि केंद्र सरकार को जमात ए इस्लामी पर पाबंदी लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इस कदम से संगठन की गतिविधियाँ भूमिगत होने के अलावा कोई मकसद हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल्टकिट एक सीमा सुरक्षा कार्यक्रम भारत के किस राज्य में लागू किया गया है? संकेत ये भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। सही जवाब है ऑप्शन ए असम। असम में भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 मार्च से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस शुरू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि घुसपैठ हथियारों गोला बारूद ड्रग्स और मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में लॉन्च किया गया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड निम्नलिखित में से किस भुगतान गेटवे प्रदाता का उपयोग करेगा? ऑप्शन ए रुपे, ऑप्शन बी वीजा, ऑप्शन सी मास्टरो, ऑप्शन डी एमएक्स। सही जवाब है ऑप्शन ए रुपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स समेत कई तरह के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी का 4 मार्च को शुभारंभ किया। यह कार्ड रुपे कार्ड पर चलता है और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्लेटफार्मों पर इसका उपयोग करने और दैनिक खरीद और बिल भुगतान को पूरा करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस कक्षा/मानक से छात्रों का चयन करेगा? ऑप्शन ए कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले, ऑप्शन बी कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले, ऑप्शन सी कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले, ऑप्शन डी कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले। सही जवाब है ऑप्शन ए कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस वर्ष से स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है जो छात्र 8वीं कक्षा पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वे कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान/संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए इसरो,
बेंगलुरु. ऑप्शन बी आईआईएससी बेंगलुरु. ऑप्शन सी आईआईटी चेन्नई. ऑप्शन डी आईआईटी मुंबई. सही जवाब है ऑप्शन ए इसरो बेंगलुरु. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस वर्ष से स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में अपनी रुचि जगाने के इरादे से युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है. क्वेश्चन नंबर 7. भारतीय प्रधानमंत्री ने 4 मार्च 2019 को गुजरात के किस शहर में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई. ऑप्शन ए सूरत. ऑप्शन बी गांधीनगर. ऑप्शन सी अहमदाबाद. ऑप्शन डी साबरमती. सही जवाब है ऑप्शन सी अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च को अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया. यह उद्घाटन वस्त्राल गांव मेट्रो स्टेशन पहुंचकर किया. वस्त्राल को अपैरल पार्क को जोड़ने वाले इस खंड की लंबाई 6.5 किलोमीटर है. अहमदाबाद मेट्रो का पहला चरण 40 किलोमीटर लंबा होगा. क्वेश्चन नंबर 8. प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में दिहाड़ी व संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत की है. ऑप्शन ए दिल्ली. ऑप्शन बी पंजाब. ऑप्शन सी बिहार. ऑप्शन डी गुजरात. सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात राज्य के मेहसाना में दिहाड़ी व संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हर माह पेंशन देने की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत की है. इस योजना को देश के हर जिले में एक साथ शुरू किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. प्रदूषण से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है. ऑप्शन ए इंदौर. ऑप्शन बी फैसलाबाद. ऑप्शन सी गुरुग्राम. ऑप्शन डी सिक्किम. सही जवाब है ऑप्शन सी गुरुग्राम. हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है. इस रिपोर्ट में टॉप माइनस 10 में एनसीआर के 5 शहर गुरुग्राम गाजियाबाद फरीदाबाद भिवंडी और नोएडा है. क्वेश्चन नंबर 10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी दे दी है. ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट. ऑप्शन बी हाई कोर्ट. ऑप्शन सी नीति आयोग. ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल. सही जवाब है ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी दे दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 11. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में इंडोरस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया है. ऑप्शन केरल. ऑप्शन बी पंजाब. ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश. ऑप्शन डी बिहार. सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी में इंडोरस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया है. इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे खतरनाक असॉल्ट AK-203 राइफल बनाई जाएगी. क्वेश्चन नंबर 12. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को IEA बायो एनर्जी TCP का कौन सा सदस्य बनने के लिए मंजूरी दे दी है. ऑप्शन 5वां सदस्य. ऑप्शन बी 15वां सदस्य. ऑप्शन सी 25वां सदस्य. ऑप्शन डी
29वां सदस्य। सही जवाब है ऑप्शन सी 25वां सदस्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को IEA बायो एनर्जी TCP का 25 सदस्य बनने के लिए मंजूरी दे दी है। IEA बायो एनर्जी TCP संबंधी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहयोग कार्यक्रम विभिन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर में दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस केंद्र को लगभग 170.99 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्ष में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 2019 से किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए CBSE, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी इसरो। सही जवाब है ऑप्शन डी इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में वर्ष 2019 से स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम उम्र में ही उन्हें ज्ञान प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 15। व्हीलचेयर रग्बी क्वाडनेशन टूर्नामेंट के दूसरे सीजन में किस देश ने ब्रिटेन को हराकर खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। इंग्लैंड के लीस्टर में हो रहे व्हीलचेयर रग्बी क्वाडनेशन टूर्नामेंट के दूसरे सीजन में ब्रिटेन को हराकर चीन ने यह खिताब जीत लिया है। इस गोल्ड मेडल इवेंट में जापान ने 53-51 से जीत हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी महिला तेज गेंदबाज 730 पॉइंट के साथ वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन ए गार्गी बेनर्जी, ऑप्शन बी संध्या मजूमदार, ऑप्शन सी अंजलि शर्मा, ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। सही जवाब है ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। भारतीय महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी हाल ही में 2 वर्ष के बाद के बार फिर 730 पॉइंट के साथ वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। वे इससे पहले फरवरी 2017 में शीर्ष पर थी। क्वेश्चन नंबर 17। किस देश ने हाल ही में अपने देश का रक्षा बजट 7.5% की वृद्धि के साथ 177.6 अरब डॉलर करने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। चीन ने हाल ही में अपने देश का रक्षा बजट 7.5% की वृद्धि के साथ 177.6 अरब डॉलर करने का ऐलान किया है। यह भारी भरकम राशि भारत के रक्षा बजट के मुकाबले 3 गुना से भी अधिक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।